ये अमेजोन बेसिक्स की सबवूफर केबल है, इसको 1 RCA केबल भी कहते हैं। तो ये हम ऑडियो सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं, स्पेशली सबवूफर्स में। जनरली 1 चैनल ऑडियो के लिए ये केबल यूज करी जाती है, तो और भी इसके यूजेस हैं। तो आज की वीडियो में इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है। काफी फ्लेक्सिबल केबल है ये, गोल्ड प्लेटेड इसके कनेक्टर्स हैं। Amazon Basics की ब्रांडिंग मिलती है आपको। इतनी फ्लेक्सिबल की तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, क्योंकि जो ब्लू रिगर कंपनी की केबल है इस तरह के, वो काफी हार्ड है। केबल की क्वालिटी तो काफी अच्छी और काफी फ्लेक्सिबल है, तो इसके कनेक्टर्स पे लोड नहीं डालेगी। देख सकते हैं आप, केबल के कनेक्टर्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सारे कॉन्टैक्ट एरियाज पे गोल्ड प्लेटिंग कर रखी है कंपनी ने। कनेक्टर्स की बैक साइड पे प्लास्टिक मोल्डिंग है और आगे की तरफ इन्होंने एल्यूमिनियम का रिंग यूज़ कर रखा है, जो कि कलर्ड रिंग है पर्पल कलर का। तो लगाते हैं इसे अपने सिस्टम में, इंस्टॉल करते हैं। इस केबल को मैंने हिकविजन के NVR से ऑडियो सिग्नल लेने के लिए यूज़ करा है, क्योंकि ये जो NVR है ऑडियो सिग्नल की आउटपुट जो देता है 1 चैनल में देता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डुअल चैनल ऑडियो में। उसके लिए Amazon Basics की एक वॉइस स्प्लिटर केबल आती है, जो कि मोनो चैनल ऑडियो को डुअल चैनल में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग पे एक अलग वीडियो बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। केबल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह की वेलक्रो स्ट्रिप्स का भी मैं यूज़ करता हूँ, इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केबल्स की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो आज से पहले इतनी हाई बिल्ड क्वालिटी की मैंने केबल्स कभी भी यूज़ नहीं करी है। इस केबल को चेक करने के लिए मैंने अपने कंप्यूटर से एम्पलीफायर को कनेक्ट करा था, एक 3.5 mm 2 RCA केबल की मदद से। ऑडियो क्वालिटी के मामले में इन केबल्स में कोई भी कमी नहीं है। इन केबल्स में हमिंग भी काफ़ी कम है, प्रैक्टिकली हम देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमिंग कह सकते हैं हम, क्योंकि एनालॉग केबल्स में बहुत स्लाइट हमिंग तो होगी, लेकिन ये भी काफ़ी मिनिमल है। इस हमिंग साउंड को मैं अपने मोबाइल से तो कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि ये काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको वर्ड्स में समझा देता हूँ कि कितनी हम इसमें आती है। अगर आप अपने एम्पलीफायर को फुल वॉल्यूम पे कर देते हैं और स्पीकर से रफली आप 2 फुट की दूरी पे बैठते हैं, तो अगर बहुत ही साइलेंट जगह आप बैठे होंगे, जैसे सर्दी का अगर वक्त है, फैंस आपके घर में ऑफ है, बाकी सारी अप्लायंसेज ऑफ है, टीवी ऑफ है, तो बहुत स्लाइट इसमें हम आपको सुनाई देगी। लेकिन रियल लाइफ में सारी अप्लायंसेज के अपने अपने कूलिंग फ़ैन भी चल रहे होते हैं, जिसके कंप्यूटर के अपने फ़ैन्स होंगे और जो एम्पलीफायर होगा उसका अपना फ़ैन होगा, तो वो ही अपने आप में इतने लाउड होंगे कि आपको ये जो हमिंग है नहीं सुनाई देगी। इलेक्ट्रिकल केबल्स के बराबर में से इस ऑडियो केबल को मैंने डाला है, उसके बावजूद मुझे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं मिला, ऑडियो क्वालिटी में कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। अगर आपको ये हमिंग नहीं चाहिए, आप ऑप्टिकल केबल यूज़ कर सकते हैं अपने एम्पलीफायर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, तो क्योंकि वो डिजिटल केबल होती है, लाइट के थ्रू वो आउटपुट देती है, तो उसमें इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते। कभी भी आपको ऑप्शन मिले तो कोशिश करिए कि आप ऑप्टिकल केबल के थ्रू अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट करें अपने सिस्टम से, लेकिन ये एक सबवूफर केबल है और ज़्यादातर सबवूफर्स में आपको ऑप्टिकल इनपुट के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनमें एनालॉग ही चलता है। और वैसे भी ये जो केबल है सबवूफर्स के लिए मोर देन इनफ है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप अपने पावर्ड सबवूफर को AV रिसीवर से कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी केबल की तलाश में थे, ये केबल आपकी उस ज़रूरत को ज़रूर सेटिस्फाई कर देगी। या फिर आप कोई भी सिंगल चैनल ऑडियो के लिए एक अच्छी केबल ढूंढ रहे थे, तो ये केबल आपके लिए भी काम आ सकती है। जैसे कि मैंने सिंगल चैनल ऑडियो के लिए इस केबल का यूज़ कराया अपने NVR को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए। अब बात करें इसकी कीमत की, तो Amazon पे केवल आपको 400 रुपये के आसपास की मिल जानी चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। ये जो केबल मैंने ऑर्डर करी है 8 फीट की लेंथ में है, जो कि सबसे कम लेंथ है इसकी, बाकी अलग अलग लेंथ में आती है, जैसे कि 25, 35 या 50 फीट। तो आप जब भी इसको ऑर्डर करें उस हिसाब से आप देख के ऑर्डर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।